हेलो दोस्तों, आप सबका रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल से संबंधित पुस्तक गणित प्रवाह सप्तम श्रेणी के अध्याय 1.1 का हल करेंगे। आप सभी दर्शक जनों से अनुरोध है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल्स रे कोचिंग सेंटर्स को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, ताकि हमारा द्वारा बनाया हुआ कोई भी वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुँच सके। चलिए हल करते हैं। यहाँ बोले आपका क्वेश्चन है कि सितारा बेगम के दुकान में 60 अमरूद थे। उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग बेच दिया। अब उसके पास कितना अमरूद बचा है, बताओ। चलिए देखिए, तो कुल अमरूद हो गया आपका, कुल अमरूद कितना है, तो 60। बेचा कितना, तो बेचा बराबर हुआ कुल कुल अमरूद का 1/4 भाग, जो किताबों में लिखा है वही हम आपको भी बताएं। तो कुल अमरूद कितना हो गया, 60 का मतलब हो गया गुना, 1/4 मतलब 1/4। ये देखिए, तो 4 से काटे तो कितना, 15 चौके 60। अतः उसने कितना अमरूद बेच दिया, तो 15 15 अमरूद बेच दिया। अब उसके पास कितना अमरूद बचा है, तो लिखिएगा बचा अमरूद बराबर हो गया 60 - 15, अर्थात 45 आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, बोले माँ ने मुझे 60 रुपये का 5/6 भाग और भैया को 45 रुपये का 5/9 भाग दिया, तो माँ ने किसे अधिक रुपये दिए, बतलाओ। दूसरा नंबर है आपका सवाल, माँ ने मुझे दिए, तो इसको लिखिएगा माँ ने मुझे मुझे रुपये दिए बराबर कितना, तो 60 60 का कितना, 5/6 भाग। इसका मतलब कितना होगा, 60 × 5/6 करेंगे तो 6 × 60, अर्थात कि आपको 50 रुपये। माँ ने मुझे कितना दिया, तो माँ ने मुझे 50 रुपया दिया। फिर बोला कि भैया को, भैया को रुपये दिए बराबर कितना हो गया, तो 45 का कितना है, 5/9, 5/9 भाग। ये देखिए, तो 45 का 45 और का मीन्स हो गया गुना, 5/9 का 9, 9 × 5 = 45, 5 है 25, 25 रुपये भैया को दिया और माँ ने मुझे 50 रुपये दिया। तो यहाँ पूछ रहा है कि तो बताओ ने माँ ने किसे अधिक रुपये दिए, तो लिखिएगा माँ ने मुझे मुझे अर्थात 50 - 25 करेंगे तो कितना हो गया, 25 रुपये अधिक दिए। तीसरे नंबर जो सवाल है आपका, बोल रहा है कि गणेश बाबू ने 3 दिन में एक काम का क्रमशः 3/14, 4/7 और 1/21 भाग खत्म किया। उसने 3 दिन में कुल कितना भाग काम खत्म किए एवं कितना भाग बाकी रहा, तो यहाँ पर लिखिएगा कुल काम बराबर 1 भाग। ठीक, कुल काम कितना हो गया, तो 1 भाग। और उसने बोल रहा है कि 3 दिन में एक काम का, तो 3 दिन में काम खत्म बराबर कितना हो जाएगा,
तो 3/14 प्लस 4/7 प्लस 1/21, सबका लसा निकालेंगे, 14 7 21 का हो जाएगा 42। 14 12 42 कितना आता है, तो 14 12 42 आ गया आपका, 14 28 42, 3 3 3 9, 7 12 42 तो 6 बार में, 6 6 24, 21 12 42 2 बार में, 2 1 2, सबको जोड़ेंगे तो 9 9 क्या बोलते हैं, 24 33, 33 2 35, 35 बटा का आपका 42 हो गया। इसको चाहे तो हम इसे काट भी सकते हैं, काटने तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 35, 6 6 42 है, तो 5/6। तो बोल रहा है कि कितना काम बाकी रहा, तो लिखिएगा काम काम बाकी रहा बराबर, तो 1 में से क्या 5/6 घटा देंगे, यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो कितना हो गया आपका 6/6, 1 में भागा दी 6 का, तो 6 6 1 6, 6 से भागा दी 6 में 5 में, तो 6 1 1 से 5 में, तो 5, अतः आपका 1/6 भाग अभी बाकी है आंसर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चार नंबर बोल रहा है कि एक बांस का लंबाई का 1/3 भाग लाल रंग, और बोल रहा है कि 1/5 भाग हरे रंग तथा बाकी 14 मीटर पीले रंग से रंग किया गया, तो बांस की लंबाई कितना है, लिखेंगे बांस की लंबाई बराबर, बांस की लंबाई बराबर 1 भाग। ठीक, बांस की लंबाई कितना हो गया, तो आपका हो रहा है कि 1 भाग, बांस की लंबाई कितना हो गया, तो 1 भाग, और 1 भाग बोल दिया है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि 1/3 भाग लाल और 1/5 भाग, तो लिखेंगे कि बांस का लंबाई का 1/3 भाग लाल रंग, 1/5 भाग, तो 1/3 प्लस 1/5, ये दोनों को हम लहसा निकालते थे, कितना हो गया 15, तो 3 5 15, 5 5 1 5, 5 के 15 कितना 3 बार में, तो 3 का 3 1 3, तो ये हो गया 8/15 भाग क्या हुआ आपका, रंग हुआ है। ठीक, बाकी भाग बराबर लिखिएगा बाकी भाग बराबर कितना हो गया, तो कुल भाग कितना 1, रंग कितना हुआ अभी लाल और क्या बोलते हैं लाल और हरा से, तो लाल और हरा से हो गया 8/15, तो यहाँ पर 15 कर देते, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया 15 का 15, इसका लस हुआ तो 15 15, 1/15, 1 का 15 15, 15 बार में, 15 कम 15, फिर 15 15 15, 1 बार 1 से 8 में कितना 8, तो टोटल हो गया आपका 7 बार, 7/15 भाग किया है आपका बाकी है, बाकी 14 मीटर पीले रंग से है किया गया, तो बांस की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर लिखिएगा बांस की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 14/7/15, ये देखिए 14 का 14 गुना के चिन्ह दे दिए, ये क्या 15 ऊपर चला जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, 7 2 का 14, अर्थात हो गया आपका 30 मीटर, 30 मीटर क्या हो गया, 30 मीटर बांस की लंबाई आंसर हो गया। ये जो लाल और हरा वाला है बांस के लंबाई का, और इतना भाग लाल और हरा। ठीक, आगे देखिए 5 नंबर में आपका क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है कि एक कॉपी का मूल्य बता रहा है कि आपका एक कॉपी का मूल्य 6 6.50 रुपये हो, मतलब 6.5 रुपये हो, तो 15 कॉपी का मूल्य कितना हो, तो पहले लिखिएगा एक कॉपी का मूल्य बराबर कितना हो गया 6.50 रुपये, इसलिए 15 कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 15 कॉपी के लिए हमको गुना कर देंगे, तो 6.50 में हम 15 से
गुना करेंगे तो देखिए कितना होता है, यह करके देख लेते हैं। 6.50 में 15 का किए, 5 0 0 50 25, और 5 6 30 30 2 32, 1 0 0 5 में 5 1 6 6, 0 5 7 9, मतलब यहाँ यह टोटल आपका 97.50, पर यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें दशमलव इतना रुपया हो जाएगा आपका आंसर। फिर बोल रहा है कि एक बक्से में चीनी के 12 पॉकेट, छठा नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक बक्से में चीनी के 12 पॉकेट है, प्रत्येक पॉकेट का वजन 2.84 किलोग्राम है, तो बक्सा सहित कुल पॉकेट का वजन अगर 36 किलोग्राम हो तो बक्सा का वजन कितना होगा। बोल रहा है कि एक बक्सा में चीनी के 12 गो पॉकेट है, तो सबसे पहले छठा नंबर देखिए, तो एक पॉकेट का वजन पहले सबसे पहले लिखेंगे, एक एक पॉकेट का, एक पॉकेट का वजन बराबर कितना हो गया, 2.84 किलोग्राम। इस हिसाब से चूंकि एक पॉकेट है इसलिए 12 पॉकेट है बक्सा में, तो 12 पॉकेट का वजन कितना हो जाएगा, तो 12 पॉकेट का वजन हो जाएगा 2.84 में 12 से गुना करेंगे तो जो आएगा देख लेते हैं, 2.84 में 12 से गुना करने पर कितना होता है, 4 2 8, 8 2 16, 2 2 4 1 5, 1 4 4, 1 8 8, 1 2 2, तो 8 6 4 10, और ये 3 5 13, 13 1 14, ये 3, मतलब 34 दशमलव कितना हो गया, 34.8, मतलब 34.8 हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या हुआ, बक्सा का मेरा टोटल, ये मतलब मेरे टोटल पॉकेट का वजन हो गया, और बॉक्से का बता रहे हैं वजन कितना है, और कुल बंद बक्सा सहित कुल पॉकेट का वजन यहाँ लिखिएगा, बक्सा सहित कुल कुल पैकेटों का वजन बराबर कितना हो गया, 36 किलोग्राम। तब बता रहा है कि इसलिए, तो बताओ बक्सा का वजन कितना, तो लिखिएगा बक्सा बक्सा का वजन बराबर हो जाएगा आपका, तो टोटल कितना है पूरा बक्सा से, 36, 36 माइनस क्या करेंगे, 34.8 को घटा लेंगे, घटाने पर देखिए क्या होता है, 1 से लेते हो गया 2, यहाँ हो गया 9, यहाँ क्या हो जाएगा 1, मतलब कहने मतलब 1.92 किलोग्राम आंसर यही हो जाएगा आपका। ओके, अब आशा है कि आप लोग समझते होंगे। आगे देखिए, बोल रहा है कि एक बोरे चावल के परिणाम का 0.7 भाग का मूल्य 1800 रुपये है, तो उसके 0.15 भाग का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि एक बोरा के चावल का परिणाम का, तो लिखिएगा 0.75 भाग चावल का मूल्य बराबर कितना हो गया, 1800, चूंकि ठीक, तो इसलिए 1 भाग चावल का मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 1800 बटा क्या, 0.75, इसलिए 0.15 का अनुपात, 0.15 भाग चावल का मूल्य बराबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1800 बटे 0.75 गुने 0. क्या हो जाएगा, 15, ये देखिए
15 से 0.75 कितना बार, 5 बार में, तो 5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 5 तरीक है 15, ये जाके इसमें लग गया तो क्या होगा, 3 तो हो गया 30, 5 6 30 0, मतलब कहने का मतलब आपका 360 रुपये आंसर। आगे 8 नंबर, 8 नंबर है, अनीता दीदी ने अपने ज़मीन के परिणाम का आधा भाग का 7/8 भाग अपने भाई को दिया, मैं बाकी ज़मीन को अपने 3 बड़ा भाग में बांट दिया, तो प्रत्येक लड़का ज़मीन का कितना भाग पाया, उसे एक एक चित्र बनाए। मतलब अनीता दीदी ने अपने ज़मीन के परिमाण के आधा भाग का इतना, तो कुल ज़मीन पहले हम लिखेंगे, कुल कुल ज़मीन बराबर हो गया 1 भाग। ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है कि अनीता दीदी ने अपने ज़मीन के परिणाम का के आधा भाग का, तो आधा भाग कितना भाग अपने भाई को दे, तो लिखेंगे यहाँ भाई को दिया ज़मीन बराबर कितना, तो आधा भाग का, आधा भाग का 7/8, तो आधा भाग कितना हो गया, 1/2 का 7/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 16, तो इतना भाग दे दिया भाई को, दिया एवं बाकी ज़मीन को, तो बाकी कितना हो जाएगा, बाकी ज़मीन बराबर हो गया 1 से 7/16 को घटा देंगे, यहाँ पर 1 रख लीजिएगा अपने मन से, ये देखिए 16 का 16, 1 के पारा में 16, 16 16 = 16, फिर 16 से 1 के पारा में 16 के पारा में 16, 1 से 7, तो हो गया आपका 9/16 भाग क्या हो गया, बाकी है। अब बाकी ज़मीन को बता रहा है कि और 3 बेटों में बराबर भागों में बांट दिए, तो प्रत्येक को ज़मीन कितना हो, तो यहाँ पर लिखिएगा प्रत्येक को ज़मीन पाया, प्रत्येक को ज़मीन मिला बराबर, तो 9/ कितना हो गया, 16/3, तो यहाँ देखिए 9/16 गुना करते हैं भाग के लिए, हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया और 3 नीचे, इसका 3 तरीक है 9, अतः 3/16 भाग प्रत्येक को मिलेगा। आप सभी दर्शक जनों से हार्दिक हार्दिक अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम अधिक से अधिक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।